Hello kids, today we are going to learn about the expanded form and short form. Aaj hum 3-digit numbers ka expanded form aur short form seekhenge. What is an expanded form? Kisi bhi cheez ko jab hum bada kar dete hain, expand karte hain, to usko bolte hain uska expanded form. For example, agar hume kisi number ko expand karke likhna ho, to hum kaise likhenge? हम क्या करेंगे, उस नंबर की जो प्लेस वैल्यूज़ होती हैं हर डिजिट की, उनको आपस में ऐड करके शो करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी टेल यू, सपोज हमारे पास एक नंबर है से 564. तो अब हमें इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम 5, 6 और 4 ये तीनों डिजिट्स को पहले उनकी प्लेस के हिसाब से लिखेंगे. तो अब इस नंबर को हम प्लेस वैल्यू में अगर लिखेंगे तो 5 आएगा हंड्रेड्स के अंदर, 6 आएगा टेंस के अंदर और 4 आएगा वंस के अंदर, राइट? अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 5 अगर 100 की प्लेस पर है तो 5 की क्या वैल्यू है 564 के अंदर. सो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 500, क्योंकि 5 कहाँ है, 100 की पोजीशन पे है. इसलिए कितना 100 है इसके अंदर, इसके अंदर 500 है, तो हम लिखेंगे 500. सिमिलरली 6 किस पोजीशन पे है, टेंस की पोजीशन पे है तो 60, और 4 वंस की पोजीशन पे है तो 4. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको लिखेंगे कि 564 इज इक्वल टू, अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं. सो हम क्या लिखेंगे, 564 इज इक्वल टू 500 प्लस 60 प्लस 4. हमने यही तो सीखा था कि किसी को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है नंबर को तो उसके सारी डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दें, जैसे 500 प्लस 60 प्लस 4. तो ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म किसका, 564 का. इसका मतलब है इसमें 500s हैं, 6 10s हैं और 4 1s हैं, उसी को हमने शो किया है. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, से 903. अब अगर हमें 903 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो हम इसको भी इसके चार्ट में पहले लिख के देख लेते हैं. ओके, तो इसमें क्या है, 100 की प्लेस पे क्या नंबर आएगा, 9 डिजिट आएगी, राइट? और टेंस पे क्या आएगा, 0, बिकॉज इसमें तो कोई टेंस है ही नहीं. और वंस पर आ जाएगा 3, बिकॉज इसमें 3 वंस हैं, राइट? अब इनका देखते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यूज क्या है. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल दीज 3 डिजिट्स इन 903. 903 में इनकी क्या प्लेस वैल्यू है वो भी चेक कर लेते हैं. बिकॉज 900 की प्लेस पर है इसलिए हो जाएगा 900, और टेंस कोई है ही नहीं इस नंबर में तो हम टेंस की प्लेस पर लिख देंगे 0. और वंस कितने हैं, 3 हैं, इसलिए प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस की प्लेस पे आ जाएगा 3. अब इस नंबर को जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को एक्सपैंड करके शो करेंगे और लिखेंगे 903 इज equal to, I know my all the babies know the correct answer, yes, so 903 is equal to 900 plus 0 because tens hai nahi plus 3, yes, so now you will write it as 900 plus 0 plus 3. Yes, so this is the expanded form of 903, that is 900 plus 0 plus 3. Now we are going to study about the short form. अब हम पढ़ेंगे किसी नंबर को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है तो उसका छोटा फॉर्म कैसे लिखते हैं. जब हमको क्या होता है, बड़ा नंबर दिया जाता है और उसका शॉर्ट फॉर्म बनाना होता है तो हम ऐड करके लिख देते हैं. ओके, इट्स सो सिंपल, लेट्स सी. 900 प्लस 80 प्लस 4. अब 900 प्लस 80 प्लस 4 को अगर लिखना होगा तो इसमें कितने हंड्रेड्स हैं, इसमें 900s हैं, है ना? और कितने टेंस हैं, इसमें 8 टेंस हैं, और कितने वंस हैं, इसमें 4 वंस हैं. तो हम क्या करेंगे, 100 की प्लेस पर लिख देंगे 9, और टेंस की प्लेस पर लिख देंगे 8, और वंस की प्लेस पर लिखेंगे 4. सो आपका नंबर फॉर्म हो गया है, क्या नंबर बन गया है, 984. लेट्स सॉल्व द अनदर वन, 400 प्लस 20 प्लस 0, इसमें कितने हंड्रेड्स हैं, 4, कितने टेंस हैं,
2 और कितने वंस हैं? 0, बिकॉज वंस की प्लेस पे तो 0 है, तो 100 की प्लेस पे हम लिखेंगे 4, टेंस की प्लेस पर हम लिख देंगे 2 और वंस की प्लेस पर लिखेंगे 0 बिकॉज इसमें कोई वंस है ही नहीं एंड द नंबर इज 420. लेट्स सॉल्व द अनदर वन. इसमें 600 है, टेंस है ही नहीं इसलिए 0 और वंस है इसके अंदर 1, तो हम 100 की प्लेस पर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे और टेंस की प्लेस पर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे और वंस की प्लेस पे विल राइट 1. सो हमारा नंबर बन गया है 601 यानी कि 601. आई होप सो यू हैव लर्न बोथ द कॉन्सेप्ट्स. गुड बाय एंड कीप रिवाइजिंग. टेक केयर बेबीज.